केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले केमिस्ट्री से वो हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा दोस्तों, और इस रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। केमिस्ट्री होता क्या है? रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं, हिंदी में रसायन विज्ञान और इंग्लिश में इसको केमिस्ट्री कहते हैं। ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से पहले ये जान लें। केमिस्ट्री वर्ड एक प्रकार का एक मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से बना हुआ है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ देता है किसे बना, ये कीमिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्लैक होता है अर्थात काला। मिस्र में काली मिट्टी को कीमी कहा जाता है, CHEMI कीमी, तथा केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान अध्ययन को केमी टीचिंग कहा जाता था। इसे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, जो केमी कहा जाता था वो क्या था, काली मिट्टी था, और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अध्ययन जो होता था, केमिस्ट्री का जो अध्ययन होता था उसे केमी टीचिंग कहा जाता था। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। रसायन विज्ञान के पिता एंटिनो लेविजियर को माना जाता है, ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एंटिनो लेविजियर, इन्हें रसायन विज्ञान के पिता माना जाता है। इन्होंने तत्वों के रसायन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें हाइड्रोजन यानी कि पानी और ऑक्सीजन तत्व यानी O2 की खोज का वर्णन किया गया था। रस धन आयन बराबर रसायन होता है, यानी कि रसों का अध्ययन द्रव या तरल या फिर लिक्विड प्लस इनका अध्ययन रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों के अणुओं परमाणुओं तथा रासायनिक क्रिया से प्राप्त या फिर रासायनिक क्रिया से युक्त ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान में हम किसके किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के गुणों के बारे में, अणुओं परमाणुओं तथा रासायनिक क्रिया से प्राप्त या फिर रासायनिक क्रिया से युक्त ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं हम रसायन विज्ञान में। पदार्थों के अध्ययन के कारण से भौतिक विज्ञान का आधार भी माना जाता है। केमिस्ट्री में सर्वप्रथम नोबेल 1901 में जिनको मिला था उनका नाम था, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, जेकोस हेनरिकस वेंटीहॉफ, इनको मिला था 1901 में, जो कि कहाँ के थे, नीदरलैंड के निवासी थे। इन्हें मिला था पहला नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों की संरचना तथा पदार्थों के गुणों का रासायनिक प्रक्रिया के समय इसमें हुए ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं, संगठन पदार्थों का, पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुणों का रासायनिक प्रक्रिया में परिवर्तन जो होता है उससे प्राप्त ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। पदार्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसका वजन या द्रव्यमान हो, वह अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हो, वो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धरती, वायु, जल, जीव इत्यादि क्या है, ये पदार्थ हैं। तो याद रखिएगा पदार्थ होता क्या है, इट्स ऑल्सो नोन एज मैटर, तो इसको मैटर भी कहते हैं। आगे देखते हैं पदार्थ का जो भौतिक गुण है वो हम जानेंगे। पदार्थ का भौतिक गुण क्या क्या होता है, पहला होता है आपका ठोस, पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा होता है द्रव, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तथा पदार्थ का एक और गुण है, वो है गैस का फॉर्म, ये गैस के रूप में भी पाया जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पदार्थ का जो भौतिक गुण है वो क्या होता है, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं पदार्थ का रासायनिक गुण देखेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे पदार्थ का भौतिक गुण और अब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण को जानेंगे। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। इसके अंतर्गत जो तत्व आते हैं उन्हें हम जानेंगे। शुद्ध पदार्थ कितने कहेंगे, शुद्ध पदार्थों को शुद्ध तब कहा जाता है जब इसमें एक ही प्रकार के पदार्थ जो है विद्यमान होता हो, यानी कि अन्य कोई पदार्थ ना मिला हो, तब ये क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक दो होते हैं, तत्व को हम एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को हम केमिस्ट्री के भाषा में कंपाउंड कहते हैं। तत्व को समझेंगे, ऐसे पदार्थ जिसे किसी विधि, रासायनिक विधि या फिर भौतिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही पदार्थों द्वारा बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और तत्व क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं और इन्हें बनाया नहीं जा सकता। अब कुछ तत्वों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उदाहरण के लिए है आपका सोना, लोहा, ऑक्सीजन, पोटेशियम, हाइड्रोजन इत्यादि, ये सभी तत्व हैं और इन्हें बनाया नहीं जा सकता है, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये शुद्ध होते हैं। आगे देखते हैं तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, एटम यानी परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है लगभग, जो कि 46.61% है। सबसे कम पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, जो लगभग 0.15% है। तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकृति के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तत्व कैसे होते हैं, धात्विक और अधात्विक, दो तरीके के तत्व होते हैं, दो प्रकार के। ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है, तो 119 है। आवर्त सारणी में इन तत्वों को परमाणु के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी में इन तत्वों को परमाणु के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यौगिक क्या होता है,
कंपाउंड, अब इसे हम जानेंगे। यौगिक दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या होता है, दो या फिर दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, याद रखेंगे यौगिक की बात हो रही है, शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। इसका अनुपात निश्चित ही होता है, न कम न ज्यादा, तो वो क्या होता है, यौगिक होता है। इसके सबसे छोटे भाग को अणु कहते हैं, ठीक है, इसके सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जो परमाणु से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक तत्व जब अपने भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब दो या दो से अधिक तत्व अपने भार के अनुसार जब एक निश्चित अनुपात में केमिकल बॉन्ड से जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक यौगिक। जैसे पानी, ये कैसे बनता है, H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लोरीन, Cl2 इत्यादि। तो पानी, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये जो है वो क्या है, यौगिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पानी में किसका किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ को समझेंगे, कैसे किसे अशुद्ध कहेंगे, ऐसा पदार्थ जो ठोस, द्रव और गैसों को मिलाने पर बना हो, या फिर ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक यौगिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बना हो, मिश्रण कहलाता है। क्योंकि इसमें तत्व और यौगिक दोनों हिस्सा लेते हैं, इसे अशुद्ध पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसे पदार्थ जो ठोस द्रव और गैस को मिलाने पर बना हो, या फिर ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों के निश्चित अनिश्चित अनुपात, वहाँ क्या था, निश्चित अनुपात, यहाँ क्या है, अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना हो, मिश्रण कहलाता है। इसमें इनका जो मिश्रण का अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, समांग या समांगी मिश्रण और विषमांग या फिर विषमांगी मिश्रण। मिश्रण जिन जिन पदार्थों के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें मिश्रण के अवयवी कण कहा जाता है। याद रखिएगा, अवयवी कण किसे कहा जाता है, मिश्रण जिन पदार्थों के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें मिश्रण के अवयवी कण कहा जाता है। इन्हें कणों के विभाजन पर समांगी और विषमांगी मिश्रण का निर्धारण होता है। इन्हीं कणों के विभाजन पर समांगी और विषमांगी का निर्धारण होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, समांगी मिश्रण को समझेंगे। इसको होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। होता कैसे, मिश्रण का निर्माण अवयवों के समान मात्रा से होता है, जिसमें मिश्रण के सभी गुणधर्म एक जैसे ही होते हैं। इस मिश्रण के अवयवी कण को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि समांगी मिश्रण जो होता है, होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, उसके अवयवी कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता। आप समांगी में ध्यान रखेंगे, अवयवी कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। जैसे नमक जल का विलयन, अब इसमें देखिए, नमक जल का विलयन अगर बनता है इसमें तो क्या होता है, इसके अवयवी कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये घुल जाता है। चीनी में जल का विलयन, ये उदाहरण याद रखिएगा, समांगी का नमक जल का विलयन और चीनी का जल में विलयन, ये क्या है, समांगी है, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या होता है, पदार्थ के अवयवों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण। ये देखिए, वहां पर क्या था, समान मात्रा थी किसकी, अवयवों की, यहाँ पे अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अवयव के कणों को पृथक किया जा सकता है इसमें, और यहाँ क्या था, अवयवी को विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण देखेंगे, जैसे तेल और पानी का मिश्रण, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। पानी और चौक का मिश्रण, इसे भी अलग किया जा सकता है। तो ये था विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। चलिए अब इसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो हमने आपको पढ़ाया है, जिसका आपको कमेंट करके उत्तर देना है। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए हीलियम, सेकेंड है हाइड्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें।